एमएस धोनी की कप्तानी छोड़ने की खबर ने सबको हैरान कर रखा है कि आईपीएल से एक दिन पहले उन्होंने कप्तानी क्यों छोड़ दी। इस पर रोहित शर्मा का रिएक्शन आ गया, रोहित शर्मा भी भावुक दिखे हैं। वहीं विराट कोहली ने भी क्या बोला है ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही फैंस तो अलग ही, उनका अपना रोना चल ही रहा है, लोग भावुक हैं एक तरीके से। लेकिन जैसे ये खबर आती है एमएस धोनी की कप्तानी छोड़ने की, उसके कुछ ही घंटों बाद अगर आप देखें तो वहां पर एक स्टेटस आता है रोहित शर्मा का, जिसमें वो टॉस के समय का स्टेटस होता है, जिसमें रोहित शर्मा और यहाँ पर एमएस धोनी दिख रहे होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि इस फोटो में अगर आप देखिए वो हाथ मिलाने वाले हैं, और वहीं उसके नीचे अगर आप देखिए उन्होंने एक हाथ मिलाने वाला इमोजी भी डाल रखा है, यानी कि एक बॉन्ड जो दिखाता है दोनों 5 बार के चैंपियन है। और दोनों अगर आप देखें आईपीएल के सबसे बेस्ट कप्तान है, दोनों जब मैदान पर उतरते हैं अपनी कप्तानी को, जब एज ए कैप्टन उसकी एक अलग ही फाइट होती है, और जब जब फाइनल में टकराई है मुंबई चेन्नई तो अक्सर मुंबई जीत भी गई है, तो एक अलग ही जो हम राइवलरी की बात करते हैं असली राइवलरी इनके बीच में एक अलग ही रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल दिखे रोहित शर्मा का ये रूप दिखा। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी अगर आप देखिए ऋतुराज की तारीख में स्टेटस लगाया, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ का हार्ड वर्क है वो उनको दिखाता है कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचने वाले हैं, और कूल ये सारी बातें उसमें लिखी गई। लेकिन सबको इंतजार था कि विराट कोहली इस पर क्या कहने वाले हैं। विराट कोहली को लेकर क्योंकि आरसीबी और चेन्नई का पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसको लेकर आरसीबी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में विराट कोहली ने चेन्नई को लेकर क्या बोला है वो आपको बताते हैं। विराट कोहली ने कहा कि चेन्नई के खिलाफ खेलना हमेशा स्पेशल होता है, ये एक बड़ा मुकाबला है, चेन्नई के भावुक फैंस के सामने खेलना और अच्छा है। और हाँ, धोनी से मिले काफी समय हो गया है, उनसे मिलना भी काफी अच्छा रहेगा। यानी कि धोनी से मुलाकात के लिए विराट कोहली थोड़ा सा ज्यादा आतुर दिख रहे हैं, कह रहे भाई काफी समय हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। और जो फैन है अगर आप देखें सीएसके के, उनके सामने जो पैशनेट फैन है उनके सामने खेलना भी एक अच्छा रहता है। और अगर आप देखें आरसीबी के भी फैन बहुत पैशनेट है, तो सीएसके के भी है। वहीं चेपॉक की अगर बात कर लीजिए, जहां आज मुकाबला खेला जाएगा 7:30 से, ये एक तरीके से ऐसा है कि चेन्नई को हराना बहुत मुश्किल है। आरसीबी और चेन्नई यहां पर जो मुकाबले खेले उसमें से पलड़ा जो है चेन्नई का ऐसे भारी है सीएसके, और वहां पर अगर आप देखें आरसीबी का कम है। तो देखते हैं कि आज के मुकाबले में क्या कुछ होता है। लेकिन यहां पर एमएस धोनी के उस फैसले ने फैंस को अलग ही रुला रखा है। लेकिन यहां पर विराट कोहली ने अभी धोनी के कप्तानी जाने को लेकर तो नहीं बोला, लेकिन हाँ उनसे मुकाबले को लेकर जरूर बातें करी है। बाकी आप इस फैसले को धोनी के कैसे देखते हैं, रोहित शर्मा और धोनी के उस बॉन्ड को कैसे देखते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएं।